दोस्तों मध्य प्रदेश के जिलों के इस अंक में हम आपके साथ है आगर मालवा जिला। आगर मालवा जिला में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, फेमस है, इनके बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों 16 अगस्त 2013 को साजापुर जिले को अलग करके आगर मालवा जिला का गठन किया गया। नवगठित आगर मालवा जिला मध्य प्रदेश में 51वें जिले के रूप में यह गठित हुआ। दोस्तों आगर मालवा जिला के अंतर्गत दो विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, आगर और सुसनेर हैं। आगर मालवा जिला के अंतर्गत चार तहसीलें सम्मिलित हैं, इनके नाम हैं आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, बड़ौद। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला यह है माना गया है दोस्तों आगर मालवा जिला, क्योंकि इसमें सबसे छोटे मतलब चार तहसील ही हैं इसमें और दो विधानसभा क्षेत्र हैं। आगर मालवा में देखें तो हम देखें दोस्तों कि नलखेड़ा यहाँ पर प्रसिद्ध भादवा माता का मंदिर है और आगर में भारत का गौ अभ्यारण्य सालरिया गांव पे गौ अभ्यारण्य स्थापित है। दोस्तों आगे देखें दोस्तों इसमें हम तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो आगर मालवा की कुल जनसंख्या का लगभग 2,73,000 थी। कितनी थी जनसंख्या दोस्तों यहाँ पे आगर मालवा में 2011 की जनगणना के अनुसार 2,73,000 थी। आगर मालवा जिले की सीमा राजगढ़ साजापुर उज्जैन जिले को स्पर्श करती। आगर मालवा जिले का उत्तरी भाग राजस्थान राज्य को स्पर्श करता। आगर मालवा जिले से नैवज, लखुंदर, चीलर आदि नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। दोस्तों तो यह जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों यह कैसी लगी आपको, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपने बड़े ध्यानपूर्वक हमारी जानकारी को सुना, इस आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, धन्यवाद।